लिथियम लिथियम सबसे हल्की और ओस्मियम ओस्मियम सबसे भारी धातु है। लिथियम के एक ऐसे टुकड़े का भार जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्रमशः एक सेंटीमीटर हो 0.534 ग्राम होता है, जबकि ओस्मियम के ऐसे ही टुकड़े का भार 22.48 ग्राम होता है। भारीपन में दूसरा स्थान इरिडियम का है। इसके एक सेंटीमीटर लंबे चौड़े और मोटे टुकड़े का भार 22.4 ग्राम होता है। ओस्मियम की एक सिल्ली जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 2-2 फट हो तो उसका भार लगभग 5 टन यानी एक हाथी के बराबर होगा। इरिडियम की सिल्ली का भी लगभग इतना ही वजन होगा। इन धातुओं की ऐसी हर सिल्ली का मूल्य लगभग 25 करोड़ रुपए होगा। लिथियम एक मुलायम धातु है। इसकी खोज 1817 में स्वीडन के जॉन ऑगस्ट आवेंसन योहान ऑगस्ट आफेटसन ने की थी। ये धातु चांदी की तरह सफेद होती है। ये धातु लेपिडोलाइट लेपिडोलाइट और ट्रिफिलाइट ट्राइफाइलाइट नामक खनिजों से प्राप्त की जाती है। ये खनिज अफ्रीका रोडेशिया और दक्षिणी अमेरिका में मिलते हैं। ये धातु पानी के साथ तेजी से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, इसलिए इस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसका इस्तेमाल ग्रीस को गाढ़ा करने में किया जाता है। ओस्मियम बहुत ही सख्त सफेद रंग की भुरभुरी सी धातु होती है। ये प्रकृति में शुद्ध अवस्था में नहीं मिलती बल्कि दसवें तत्वों के साथ मिली जुली अवस्था में मिलती है। ये शौर्य के अम्ल में घुल जाती है। इस धातु का उपयोग पेनों के निब और ग्रामोफोन की सुइयां बनाने में किया जाता है। इसका आविष्कार सन 1804 में स्मिथसन टेनन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इरिडियम धातु का आविष्कार भी टेनांट महोदय ने ही किया था। इरिडियम एक सख्त और चांदी की तरह चमकदार धातु है। यह ओस्मियम की तुलना में अधिक उपयोगी है। ये बहुत ही उच्च तापमान 2443 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है, इसलिए इस धातु से उच्च तापमान पर भी न पिघलने वाली क्रूसिबल क्रूसिबल बनाई जाती है। इस पर अम्लों का कोई प्रभाव नहीं होता। इरिडियम को दूसरी धातुओं के साथ मिलाकर पेन के निब वायानों प्रयोगशालाओं में काम आने वाले यंत्र आदि बनाने के काम में लाया जाता है। और ऐसे अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब